Assalamualaikum everyone, this is me Sabah Umair and welcome back to my YouTube channel. आज हम लोग बात करने वाले हैं today's video all about manicure pedicure at home. So let's start. अच्छा तो इसके लिए जो हमें ingredients चाहिए वो है जी half lemon. अगर बड़ा है तो half और अगर छोटा है तो आप पूरा भी ले सकते हैं. और एक चम्मच सोडा, मीठा सोडा, एक चम्मच नमक और दो टेबल. इसके लिए हमें चाहिए जी इतना शदीद वाला गर्म पानी जो कि हमारे पाँव बर्दाश्त कर ले, मतलब नॉर्मल पानी चाहिए भाई जितना आपके पाँव इजीली बर्दाश्त कर ले. इसमें हम डालेंगे नमक, मीठा सोडा, लेमन को स्क्वीज करेंगे और इसमें हम डालेंगे जी शैम्पू और इसको अच्छी तरह से करने वाले हैं मिक्स. मिक्स करने के बाद हमारा ये जो मैनीक्योर पेडीक्योर का जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा रेडी. और इसको इस्तेमाल करने के बाद आप लोग जो फीडबैक देंगे ना वो सुनकर जो मेरा दिल है ना वो गार्डन गार्डन होने वाला है. और अब इसको मैंने अच्छी तरह से कर दिया मिक्स. हाथ से हिला के आपने झाग बना लेनी है ताकि पता चले कि अंदर कुछ है. और उसके बाद आपने क्या करना है वो आगे देखते हैं. यहाँ पर पानी हो चुका है तैयार, इसमें हम डिप करेंगे अपने पाँव मैक्सिमम 20 मिनट्स के लिए. 20 मिनट के लिए आपने पाँव इसमें डालने और डालने के बाद आपने पाँव को भूल जाने. ये पानी इतना गर्म है जितना मेरे पैर इजिली बर्दाश्त कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने अपने पाँव जो है वो पानी में डिप कर दिए और इनको डिप करने के बाद आपने 20 मिनट के लिए छोड़ देना. और 20 मिनट के बाद आपको देखिएगा रिजल्ट्स कितने अच्छे मिलते हैं. और आपने इनको साफ करने के लिए कुछ ना कुछ रखना है क्योंकि इससे नेल पॉलिश लगा के आपने पानी में पाँव डिप नहीं करने क्योंकि इससे नेल्स भी साफ होते हैं. आपने नेल पॉलिश उतार के फिर आपने साफ करना है. उसके बाद आप अपने नेल्स को फॉइल कर लें, उसके बाद अच्छी तरह से साइड साफ कर लें. आप देखिएगा, यकीन करें आपके नेल्स इतने ज़्यादा प्यारे होंगे और आपके पाँव की रंगत जो है वो भी साफ हो जाएगी. और इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो मैं इसके बाद आपको बताती हूँ. ये देखिए मेरे पाँव की जो रंगत है कितनी साफ होती जा रही है. ये देखिए पाँव को कितना फर्क पड़ता जा रहा है. अभी इसको डाले हुए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और आपने इसको अच्छी तरह से मसाज करना है जिससे आपके स्किन के ऊपर जो डेड स्किन होगी वो उतर जाएगी, आपकी आपकी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी तेज होगी. मेरे 20 मिनट्स जो है वो हो चुके हैं पूरे और अब अपने पाँव जो है वो बाहर निकाल के टॉवल से करूंगी सो. और ये देखिए पाँव कितने साफ हो चुके हैं मेरे. जो सेकंड स्टेप है हमारा उसके लिए हमें चाहिए ब्लीच. आप किस कोई भी ब्लीच, किसी भी कंपनी की ब्लीच यूज कर सकते हैं जो कि आपने करनी सिर्फ अपने पैरों पे. मैंने आपको मैनीक्योर और पेडीक्योर दोनों का बताया था. जो सेम प्रोसीजर मैं अपने पैरों के साथ कर रही हूँ आप वही सेम प्रोसीजर जो है वो अपने हाथों के साथ कर सकते हैं. छोटे छोटे टब्स में सेम यही प्रोसीजर किया. उसमें आप इकट्ठा बनाएं, एक बाउल में 1 टेबल स्पून नमक डाला, 1 टेबल स्पून आपने इसमें मीठा सोडा डाला, एक लेमन डाल दें आप अगर छोटा है, अगर पूरा है बड़ा है सॉरी तो उसको हाफ डाल दें. और उसके अंदर आपने शैम्पू मिक्स करना है 2 टेबल स्पून और दोनों उस बाउल को ना नीम गर्म पानी हाफ हाफ करके किसी में डिवाइड करें और दोनों अपने हाथ जो आपने उसमें डिप करने, इससे आपके नेल्स भी साफ होंगे. आपने नेल पॉलिश उतार के आपने फिर हाथ उसमें डिप करनी है, ठीक है. और पाँव का मैंने आपको करके दिखाया, सेम एज इट इज आपने हाथों का करना है. और जो सेकंड स्टेप है हमारा वो भी सेम आप हाथों पे कर सकते हैं. आपने किसी भी तरह के छोटे साशे मिलते हैं ब्लीच के, आप वो यूज कर लें. एक आप हाथों के लिए यूज करें, एक आप पैरों के लिए यूज करें. आपने कैसे यूज करना है मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ. यहाँ पर मैंने अपनी क्रीम तैयार कर ली है, क्रीम नहीं सॉरी ब्लीच रेडी कर ली है. मेरे पास साशे अवेलेबल नहीं थे इसीलिए मैंने साशे ऐड नहीं की. मेरे पास जार थे, मैंने जार में से डाल लिया. आप साशे ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें जो आपके लिए बेस्ट हो. वो 10 रुपीज का मिल जाता है, मैक्सिमम 15-20 का मिल जाएगा. आपने 2 लेने हैं हाथों के लिए, अगर एक सिर्फ पाँव पे करना है तो आप सिर्फ पैरों के लिए 1 साशे इनफ है. और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला है घर का जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है लोशन, जो आपको इचिंग से बचाएगा, रेडनेस से बचाएगा, ठीक है. मैंने इसमें 1 टेबल स्पून इसलिए डाला है क्योंकि मैं सिर्फ पैरों के लिए बना रही हूँ. अगर हाथों के लिए बना रही होती तो मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर लेती. आपने इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स क्योंकि इसमें लोशन भी ऐड है और इसमें ब्लीच भी ऐड है.
और मिक्स करके आपने इसको फौरी अप्लाई नहीं करना, कम से कम 5 मिनट के लिए रखें ताकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ज़रा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए कलर्स अब निकल रहे हैं पार्टिकल्स के। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है अपने पैरों पे, हाथों पे। और अप्लाई करने के बाद आपने इसको फौरी नहीं उतारना, आपने अप्लाई करना है कम से कम 15 मिनट्स के लिए। और 15 मिनट्स के बाद आपने इसको वैसे सिंपल नहीं उतारना, आपने इसको अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी है, मसाज करना है गीले हाथों से। और उसके बाद आपने 1 मिनट के लिए छोड़ना है, देन आप इसको रिमूव करेंगे और उसके बाद आप रिजल्ट्स देके आप लोग खुद खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे बता रही हूँ वैसे ही आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप लोग रिजल्ट्स चाहेंगे मेरे जैसे तो ये हमारी हो चुकी है मेक। यहाँ पर ब्लीच जो मैंने रेडी की थी वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने पाँव पे। यहाँ पर जो ब्लीच है वो मेरे पाँव की सारी हो चुकी है ड्राई, और इसको अब मैं पहले सर्कुलर मोशन में मसाज करूँगी फिर रिमूव करूँगी। सर्कुलर मोशन में आपने इसको इस तरह से मसाज करना है मैक्सिमम 1 मिनट के लिए, उसके बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए छोड़ के वापस आपने इसको वॉश करना है, और फिर आप रिजल्ट देखिएगा कि आपको कितने लाजवाब मिलेंगे रिजल्ट। क्योंकि इस सर्कुलर मोशन में करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी, आपका खून चलेगा, खून गर्दिश करना स्टार्ट कर देता है, और ये अच्छी तरह से देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट है, इससे आपके नेल्स कितने क्लीन होते हैं। मैंने एक दूसरी वीडियो में नेल्स को फॉइल करने का भी तरीका बताया था। यहाँ पर देखिए आप मेरे पाँव कितने साफ हो चुके हैं, अब हम इनको नीट करेंगे फॉइलर से, और पाँव को हमने फॉयलर से हमने इनकी साइडें नीट करनी है ताकि हमारे पाँव में अगर कोई भी मट्टी शट्टी गई हुई है, क्योंकि हम फिरते हैं बाहर, तो आपने पाँव की साइडें साफ करनी है अच्छी तरह से। ये देखिए पाँव के ऊपर से एक लेयर उतरेगी ये, और इसके बाद आप देखिएगा आपके नेल्स कितने नीट हो जाते। ये देखिए आपने अच्छी तरह से पाँव के नेल्स को अंदर से बाहर से सारा साफ करना है। ये देखिए उसके बाद आप इसको फॉइल करें और इस पर नेल पेंट लगाएं, जो शेड आपको ज्यादा पसंद हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे नेल पॉलिश लगाना बहुत पसंद है, मुझे सारे शेड पसंद है, तो मैं कभी कोई और कभी कोई लगा लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाँव का कलर जो है वो कितना ज्यादा साफ हो चुका है, और अगर आप लोगों ने कहीं जाना हो तो सबसे पहले आप इसको ट्राई करें और उसके बाद आप लोग कहीं जाने के लिए तैयारी करें। है जहाँ आपको इचिंग हो रही होती है आपने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल अप्लाई करनी है, और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है और कुछ नहीं अप्लाई करना। और अगर मेन टिप आप लोगों के लिए ये है जी, अगर आप लोग वो ब्लीच करते हैं बाजुओं पे तो आपने फौरी मेहंदी नहीं अप्लाई करनी। सम टाइम होता है वेडिंग सीजन आ रहे हैं तो लोग अप्लाई कर लेते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और अगर एक बार स्किन प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स छिड़ जाती हैं। तो जो सेकेंड टिप है वो ये है कि आपने जहाँ वैक्स करनी है आपने उसके बाद ना मेहंदी लगानी है ना आपने ब्लीच करनी है, ये भी बहुत बड़ी टिप है। ठीक है, और आई होप आप लोगों को मेरी आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी इंशाल्लाह, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। आपने देखा कि जो मैनीक्योर पेडिक्योर एट होम मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बताया, और अब यकीन नहीं करेंगे लिटरली इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे, इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं ना, इसको घर पर बनाएं, ट्राई करें और उसके बाद फीडबैक ज़रूर दिएगा, और मुझे इंतज़ार रहेगा फीडबैक का। और इंशाल्लाह एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुद भी खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।